पूरा शांग्रिला हमारी पाक ताकतों से घिरा हुआ है। हमारी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। सिम, एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। तुम खुद शैतानों की मलिका हो, तलिस्मान तक तुम आसानी से पहुंच सकती हो, फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? इसलिए कि तू मेरी दुश्मन रोशनी का बेटा है और तू ही ले जा सकता है मुझे उसकी जादुई दुनिया में, लेकिन ये तुझे कभी पता नहीं चलेगा अली बाबा। ऐसा भी क्या मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने सिमसिम? सिमसिम के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर क्या है ना, अपने दुश्मन से अपना काम करवाने में एक अलग ही मसला है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ सिमसिम, कि तलिस्मान तक तो तुम खुद पहुंच सकती थी, फिर तुम्हें मेरी ही मदद की जरूरत क्यों थी अपने सबसे बड़े दुश्मन की? तो सुनो, शांग्रीला एक पाक जगह है और यहाँ सिर्फ एक पाक इंसान ही जा सकता है, और तुमसे ज्यादा पाक इंसान पूरे परवाज में मुझे कौन मिल सकता है अली? चलो। नक्शे के मुताबिक तो शांग्रीला यही होना चाहिए, यहां तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही चांद की रोशनी तुम्हारे नूर पर पड़ेगी, शांग्रीला का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। ये रास्ता तो यहाँ नहीं था, फिर खुद ब खुद ये रास्ता यहाँ कैसे बन गया? ये कैसा जादू है? मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब। अब जल्दी चलो अली, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। ऐसा पाक एहसास था, ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने मेरे पैर छुए। साहिबा, तुम ठीक तो हो ना? जी गुरुजी, मैं अभी आती हूं। ये जरूर सोम कबीले के लोगों का पाक महल है। आ,
अब ये ऐन वक्त पर आ क्या चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। अली, आखिर इतने सालों बाद वही एहसास, ममता से भरा वही भाव, ये एहसास तब हुआ था जब मैंने अले मेरा बच्चा दुलार से भरा हुआ ये एहसास फिर क्यों छू रहा है मुझे। अली, बोलते क्यों नहीं हो अली, क्या हुआ? पता नहीं, पर ये कुछ अलग एहसास था। इस एहसास को लफ्जों में बयां नहीं कर सकता मैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चे को एक माँ की गोद मिल गई हो। माँ की गोद का नहीं जज्बाती इंसान, तेरी और तेरी उस माँ की मौत का एहसास है जिसे सिम हकीकत में बदल देगी। ये रोशनी कैसी? ये औरत कौन है जो इसी ओर आ रही है? रोशनी, ये तो अली की माँ रोशनी है। अगर इसने अली के पीठ पर नूर देख लिया तो ये पहचान जाएगी कि अली उसी का बेटा है। मुझे अभी इसी वक्त चांद को छुपाना होगा जिससे अली की पीठ से नूर की चमक गायब हो सके। ये रोशनी कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे सामने से नहीं जा सकते हम। ये कोई आम महल नहीं है। किसी ने हमें देख लिया तो दोनों फंस सकते हैं। शैतानों की मलिका भी खौफ खाती है, ये देखकर अच्छा लगा मुझे। सोम कबीला एक भाग चुके हैं। ये पूरा महल उनकी भाग जादू से घिरा हुआ है। जैसे ही हम कदम रखेंगे उन्हें फौरन पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो आया है। तो तुम्हारी शैतानी ताकतें कब काम आएगी? तुम उनका इस्तेमाल करना और मैं तलिस्मान लेकर आ जाऊंगा। अली, मैंने पहले भी कहा है कि ये एक पाक जगह है, यहाँ एक पाक इंसान ही जा सकता है। मेरी शैतानी ताकतें अंदर काम नहीं करेगी। कम से कम तुम्हें तुम्हारी हद का एहसास तो हुआ। तुम्हें ये मालूम तो पड़ा कि पाक ताकतों के आगे तुम्हारी शैतानी ताकतें कुछ भी नहीं है। तुम देखना सिमसिम, बहुत जल्द इस दुनिया से तुम शैतानों का खात्मा हो जाएगा। कौन बचता है और कौन खत्म होता है ये तो वक्त ही बताएगा अली। वक्त क्या बताएगा वो देख लेंगे सिमसिम। लेकिन फिलहाल करना क्या है? यहाँ बैठे बैठे इंतजार करना है कि वो लोग आएंगे और हमें मेहमान बनाकर महल के अंदर ले जाएंगे? ऐसा ही कुछ होगा अली, बस तुम देखते जाओ।
हमला करो उस रोशनी पर। जी मल्लिका, जो हुकुम। लगता है शैतानों को तलस्मान के यहाँ होने का पता चल चुका है, इसलिए वो शांग्रीला में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शांग्रीला की साहिबा ऐसा कभी होने नहीं देगी। तो शांग्रीला पर हमला हो रहा है। इतने सारे हमलावरों से अकेले एक औरत लड़ रही है। बेहद ही जाबाज औरत दिख रही है। सही कह रहा है अली, सालों बीत गए पर रोशनी में अब भी बहादुरी का वही जज्बा है। किस सोच में डूब गई सिमसिम? यही सोच रही हूँ अली, इनकी दुश्मन सिर्फ वो हमलावर नहीं है, हर वो शख्स है जो तलस्मान को हासिल करना चाहता है। शमशीर नीचे रख दो लड़के, क्योंकि मैं दोबारा मौका नहीं देती। मेरा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं। यही मौका है, अब मुझे ही ऐसा कुछ करना होगा ताकि रोशनी खुद हमें इस महल के अंदर ले आए। महल के अंदर नहीं, पर महल के बाहर मैं अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल कर ही सकती हूँ। Yeah.
जब तक मलिका सिंह 43 माह लेकर वापस नहीं आ जाते, कोई अपनी जगह से नहीं होता समझे। और अगर किसी ने भी होशियारी करी तो उसकी होशियारी तरे के तरे रह जाएगी और उसका सर उसके धड़ से अलग किया जाएगा। अली तो अली को, इसके बाद तुम्हारा खौफ भी खत्म होगा और तुम सब भी। छोड़ दीजिए। हम कहते हैं छोड़ दीजिए। मत भूलिए, सिमसिम ने वादा किया है अली से कि आप लोग परवास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसे वैसे भी 4 दिन की जिंदगी बची है इसकी, और इन बेवकूफों को लगता है कि वो अलीबाबा इनको चुराने यहां जिंदा वापस आएगा। अली और तुम सब सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि एक अली ही है जो उस तलिस्मान को वापस ला सकता है उस सोम कबीले के लोगों से। आगे खुलिए, ऊपर वाले पर यकीन रखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने रोशनी को बचाकर हमारे महल में जाने का रास्ता आसान कर दिया अली। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं। ये क्या हो गया मेरे दोस्त को? इसने मेरी जान बचाई। तुम ठीक तो हो ना अली? अली, अगर एक बार मलिका सिंह को वो तालिस्मान मिल जाए तो फिर वहां वो अली का तमारी अरे बड़े गोदरा, आप ठीक तो है ना? हाँ? क्या? सिर्फ अली ही तलिस्मान ला सकता है, इसका क्या मतलब है? क्या रिश्ता है अली का सोम कबीले के लोगों से? इसका नाम अली है जी। मैं इसकी दोस्त, हम दोनों राहगीर हैं, रास्ता भटक गए थे, भटक भटक के यहाँ तक पहुंच गए। बहुत ही नेक दिल इंसान है मेरा दोस्त। देखिए ना, आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी इसने। अली, तुम ठीक तो हो ना मेरे दोस्त? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा दोस्त पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तुम दोनों हमारे मेहमान हो। आखिर ऐसी क्या बात है इस अनजान लड़के में जिसे देखकर मेरे अंदर की ममता उमड़ रही है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मेरा और इसका कोई गहरा रिश्ता है? जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तलिस्मान तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।